पार्टी का संस्कार नहीं है, ये मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। अरे सुनना पड़ेगा अधीर रंजन जी, ऐसे नहीं चलेगा। बोलूं नाम के साथ? चलिए इन्होंने कहा है नाम के साथ मैं बोलता हूं। विंडिक्टिव अप्रोच। श्रीमान गौरव गोगाई जी, आपको मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, विंडिक्टिव अप्रोच मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार विंडिक्टिव अप्रोच से पूरे देश को जेल में डाला, ये मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है, ये मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। मान्यवर, मान्य सदस्य, जब आपके मनीष तिवारी जी 30 मिनट तक बोले, कोई मान्य सदस्य नहीं बोला था। आप भी सुनने का मासदार हो, ये ठीक नहीं है। सदन में जब डिबेट होती है, वाद विवाद होता है, अगर उस समय कोई सदस्य बोलता उनको ही टोकता मैं। इसलिए नो, आप भी पॉलिटिकल बोले हैं, आपने भी आरोप ऊपर तक लगाए हैं। जब भी सभी माननीय सदस्य कोई बोले तो मैंने चुप करा दिया। माननीय गृह मंत्री जी, नो, माननीय सुरेश जी, नो। मान्यवर, मैं बहुत ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, मगर जिन तीन प्रोटेक्टी की यहाँ पर ज्यादातर चिंता की, बाकी किसी की नहीं की है, वो तीन प्रोटेक्टी की ही चिंता कर दी। उन्होंने कुल मिलाकर 178 और 18 और 200 लगभग 600 बार कोई सूचना दिए बगैर अपने कार्यक्रम में चले गए। 600 बार, 600 टाइम्स। और 112 बार, सुनिए अब सुनिए, अरे सुनना पड़ेगा अधीर रंजन जी, ऐसे नहीं चलेगा। बोलूं नाम के साथ? चलिए इन्होंने कहा है नाम के साथ मैं बोलता हूं। श्री सोनिया गांधी 2015 से अभी तक 50 से ज्यादा अवसरों में दिल्ली सरकार और देश की सुरक्षा व्यवस्था को जानकारी दिए बगैर चली गई। 13 निर्धारित यात्राएं उन्होंने की है और एसपीजी बुलेट प्रतिरोधी कार का उपयोग भी नहीं किया है। 2015 के बाद 24 विदेश यात्राओं में एसपीजी के अधिकारियों को ना सूचना दी है ना साथ में रखा है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा 2015 से अब तक 339 अवसरों पर एसपीजी को लिए बगैर, सूचना दिए बगैर यात्रा में की। दिल्ली में और 64 अवसरों पर देश की अन्य जगह पे। भाई इन्होंने कहा कहो, मैं तो गार्डेडली बोलता था। मान्यवर, कांग्रेस के नेता ने कहा आप पढ़ो, इसलिए मैं जोर से पढ़ रहा हूं। 64 अवसरों पर देश के अन्य स्थानों पर श्रीमती प्रियंका वाड्रा गई। 1991 के बाद 99 विदेश यात्राओं पर गई। 21 अवसरों पर ही सुरक्षा कवच लिया, 78 अवसरों पर कभी भी सुरक्षा कवच उन्होंने नहीं लिया। मान्यवर, श्रीमान राहुल गांधी जी 2005 से 2014 18 अवसरों पर देश के विभिन्न हिस्सों में एसपीजी की बीपी कार और सूचना के बगैर गए और 2015 के बाद 1892 अवसरों पर दिल्ली में 1892 में, फिर से रिपीट करता हूं, और 247 अवसरों पर बाहर की यात्रा एसपीजी के सुरक्षा कवच के बाहर की। मान्यवर, और मान्यवर ये कह रहे हैं मैं तो बोलना नहीं चाहता था, सुरक्षा के बारे में नहीं बताना, मुझे रॉन्ग बॉक्स में रख रहा है। जैसे मैं झूठ बोल रहा हूं तो मुझे सत्य सदन के पटल पर रखना पड़ा। मान्यवर, और मान्यवर ये कह रहे कि एसपीजी कैसे कॉम्प्रोमाइज, एसपीजी को प्रोटेक्टी को सुरक्षा के बगैर जाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। मान्यवर, वो बाद में प्रधानमंत्री की सुरक्षा भी कॉम्प्रोमाइज होती। अगर हमें सुरक्षा है, हमें दी गई, तो ऐसा क्या गोपनीय करना है कि भैया सुरक्षा को घर पे लाकर चला जाए? हम तो कभी नहीं जाते। साथ में होते श्रीमान राजनाथ सिंह जी यहां बैठे, कई सालों से काले कपड़े वाले उनको टॉयलेट तक छोड़कर आते हैं, मगर वो कभी कुछ नहीं बोलते रहते हो। तो जब सुरक्षा मिली है तो उसको क्यों साथ में नहीं रखते? सब प्रोटेक्टी को मेरा तो अनुरोध है, और आज भी ये तीनों महानुभावों को अनुरोध है, सीआरपीएफ को साथ में रखिए,
आपके प्रोटेक्शन के लिए वो बहुत जरूरी है और सबने साथ में रखना चाहिए। पर्याप्त समय वाली सूचना भी दें। मान्यवर कुछ प्रोटेक्टिव ऐसे होते हैं, मैं नाम देना नहीं चाहता, फिर से मत दिलवाना। सौ सौ किलोमीटर की स्पीड से दिल्ली ल्यूटन में महंगी मोटरसाइकिल लेकर घूमते हैं। 100 किलो, और वो सुरक्षा की गाड़ियां बिचारी पीछे की पीछे रह जाती, धरी की धरी रह जाती। अब ये सारी चीजें मान्यवर मैं कहां अधिकृत रूप से कहूंगा, हमारा इसके पीछे आशय इतना ही है। सरकार किसी को विंडिक्टिव अप्रोच से कुछ करना नहीं चाहती मान्यवर, मगर जब हम सार्वजनिक जीवन में आते हैं तो सार्वजनिक जीवन की सुचिताओं को स्वीकार। पार्टी का संस्कार नहीं है ये, मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। अरे सुनना पड़ेगा अधीर रंजन जी, ऐसे नहीं चलेगा। बोलू नाम के साथ? चलिए इन्होंने कहा है, नाम के साथ मैं बोलता हूं। विंडिक्टिव अप्रोच। श्रीमान गौरव गोगाई जी, आपको मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं, विंडिक्टिव अप्रोच मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कई बार विंडिक्टिव अप्रोच से पूरे देश को जेल में डाला, ये मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है। मान्यवर, मान्य सदस्य, जब आपके मनीष तिवारी जी 30 मिनट तक बोले, कोई मान्य सदस्य नहीं बोला था। आप भी सुनने का मासदार हो, ये ठीक नहीं है। सदन में जब डिबेट होती है, वाद विवाद होता है, अगर उस समय कोई सदस्य बोलता है उनको ही टोकता मैं, इसलिए नो। आप भी पॉलिटिकल बोले हैं, आपने भी आरोप ऊपर तक लगाए हैं। जब भी सभी मान्य सदस्य कोई बोले तो मैंने चुप करा दिया। माननीय गृह मंत्री जी, नो। मान्यवर मैं बहुत ज्यादा उसमें जाना नहीं चाहता, मगर जिन तीन प्रोटेक्टिव की यहाँ पर ज्यादातर चिंता की, बाकी किसी की नहीं की है, वो तीन प्रोटेक्टिव की ही चिंता कर दी। उन्होंने कुल मिलाकर 178 और 18 लगभग 600 बार कोई सूचना दिए बगैर अपने कार्यक्रम में चले गए। 600 बार, 600 टाइम्स। और 112 बार, सुनिए अब सुनिए, अरे सुनना पड़ेगा अधीर रंजन जी, ऐसे नहीं चलेगा। बोलू नाम के साथ? चलिए इन्होंने कहा है, नाम के साथ मैं बोलता हूं। श्री सोनिया गांधी 2015 से अब तक, अभी तक 50 से ज्यादा अवसरों में दिल्ली सरकार और देश की सुरक्षा व्यवस्था को जानकारी दिए बगैर चली गई। 13